किसी भी स्टेट एसएससी का, वो तुम्हारा रहे ना। बैंक को भी अपना ध्यान रखना, जितने एग्जाम आते हैं तैयारी सबकी एक जैसी है। पुराने बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई एक ही होती है, ये नयों की समझ में नहीं आता। लेकिन जो लोग तैयारी करते करते जिन्हें 6-8 महीने साल 1.5 साल 2 साल हो गया, उन्हें पता है कि पेपर में कुछ भी आ सकता है, सब कुछ पढ़ के जाना होता है। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में कल एक रिवीजन दिलवाई थी, क्योंकि दोबारा से हम हिस्ट्री पे वापस आ रहे हैं जो हमने मई में स्टार्ट किया था। मैंने एंशियंट इंडिया कंप्लीट करा दिया था, मध्यकालीन भारत का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा हम पूरा कर लेंगे, और उसमें से मैंने आपको दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें से ग ख तस्लम, ये हमारी बातचीत हुई थी कि ग ख तस्लम जो है वो एक फॉर्मूला है। ग मतलब गुलाम वंश, ग मतलब गुलाम वंश, ख मतलब खिलजी वंश, त मतलब तुगलक वंश, और इतना मैंने पहले पढ़ाया था, वो मैंने कल रिवाइज भी करा दिया था। गुलाम के 5 बड़े नामों में ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन, महमूद, और उसके बाद ये नासिरुद्दीन महमूद कई आदमी आएंगे, जगह जगह आएंगे। इसके बाद बलबन, बलबन के 4 साल बाद ही, बलबन की डेथ के 4 साल बाद ही ये पूरी तरह खत्म हो गया गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक, सबसे छोटा कार्यकाल अगर देखें जिन्होंने शासन संभाला, महज 30 साल। बड़ा नाम अगर लें एक तो अलाउद्दीन खिलजी का है, लेकिन अगर टोटल में देखो तो सबसे छोटा कार्यकाल है खिलजियों का, जिसमें 2 ही बड़े नाम थे, जलालुद्दीन 6 साल स्टार्टिंग के और फिर अलाउद्दीन। इसके बाद एक आदमी आया जिसने 4 साल राज किया, एक आदमी ने महज 3-4 महीने, पर उन दोनों का इतिहास में जिक्र नहीं होता। इतिहास जो होता है ना, ये गौरव गाथा है उपलब्धियों की, यानी जो अगर कोई कुछ अचीव करता है तो वो इतिहास रचता है। ऐसे तो दुनिया आती है चली जाती है, इतिहास नहीं बनाता हर कोई। त का मतलब है तुगलक वंश, 1320 से लेके ये लोग रहे हैं, ये मान लीजिए जब तक कि हमारे यहां पर अगला वंश नहीं आया 1414 तक। ये दूसरा जो ये देख रहे हो ना 1320 वाला, ये काफी लंबा टाइम पीरियड है, क्योंकि देखो 1420 आने वाला था तो 100 साल लगभग पूरे हो जाते, 6 साल कम रह गए, तो 90 प्लस इयर्स तक इन्होंने अपना टाइम पीरियड, लंबा टाइम पीरियड काटा 1320 से लेके 1414। इसके बाद आया ग ख त स आएगा इसके बाद, जो आज पढ़ेंगे, और उसके बाद आएगा लोदी वंश, सैयद वंश, सेकंड शॉर्ट स्पैन है, दूसरा छोटा टाइम पीरियड, क्योंकि ये 1414 से लेके 1451 तक रहेंगे। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो 1451 में आप देखो लगभग लगभग कितने साल निकले, ये अगर हम इसको मान लें 15 तो ये मिल गया आपके 35-36-37 साल हो गए, 37 लगभग ईयर्स, ठीक है। और को देखे तो ये कितना था 30 साल, यानी सबसे छोटा पूछेंगे तो खिलजियों का और सेकंड छोटा पूछेंगे तो सैयदों का आएगा, सैयद वंश, जिसमें कोई भी बहुत प्रतापी राजा नहीं हुआ। फिर आए लोदी, लोदी का टाइम पीरियड 1451 से लेकर 1526 तक का है, तो सबसे छोटा अगर देखें टाइम पीरियड तो खिलजियों का, सेकंड छोटा देखें तो सैयदों का, और बड़ा अगर देख पा रहे हो तो ये 6 से 90 में देख लो 80 प्लस ईयर्स हो गए, ये 90 प्लस ईयर्स हो गए, वो 1451 से 1526, तो देख लो इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछे, रटने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें टाइम पीरियड भी पूछे तो हमें आना चाहिए 1206 से 1290, 90 से 1320, 1320 से 1414, फिर 14 से 51, फिर 51 से 1526, जब तक कि पानीपत की पहली लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। ये सारा समझ में आ जाना चाहिए हर एक को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सैयद वंश, क्योंकि ग ख त मैंने कल पूरा पढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनो, तुगलकों में एक कमजोर तुगलक स्टार्ट हो जाएंगे। कल हमने 3 तुगलक बातचीत की थी, रिवाइज किए थे। एक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जो सिर्फ 5 साल राज करके गया, लेकिन नहरों पे, कृषि विकास पे बहुत काम करके गया, जिसने गाजी बेग तुगलक, गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद हमने पढ़ा था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा मूर्ख, 1325 से 1351 5 बड़े प्रोजेक्ट फेल हुए। इब्न बतूता इसके टाइम में आया, मुरक्को से किताब लिखी थी रेहला, किताबुल रेहला। इसके बाद इसका चाचा का बेटा, रज्जब का बेटा, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुछ गलतियां की, कुछ गड़बड़ियां की, लेकिन अच्छे काम भी किए। सल्तनत काल का अकबर इसको नाम दिया जाता है। बहुत पेड़ पौधे लगवाए, बहुत सराय बनवाई, अस्पताल बनवाए, शहर बसवाए और नहरें बनवाई, तो शाह ए नहर, शाह ए शहर, बहुत सारे काम किए। कुछ गड़बड़ियां रही, इसने हुलिये लिखने बंद करवा दिए सेना के लोगों के, और घोड़ों पे जो दाग प्रणाली थी वो बंद करवा दी, नगद की जगह वेतन जो है ये संपत्ति के रूप में देने लगा। तो बहुत सारी गलतियां, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम, ढेरों बाग लगवाए। सबसे ज्यादा इसके पास जो ये दास थे, दासों के लिए इसने बहुत काम किया था ना, दीवाने बंदगान बताया था आपको मैंने, 1,80,000 दास इसके पास, सर्वाधिक। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद तुगलक थोड़े थोड़े और खींचेंगे, और लास्ट में जाके एक आदमी आएगा जिसका नाम है नासिरुद्दीन, ये पहले भी आ चुका है इसी नाम का आदमी, नासिरुद्दीन महमूद, या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक भी लिख देते हैं, मोहम्मद तुगलक भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पर, ठीक है। नासिरुद्दीन तुगलक ये लास्ट था तुगलकों का, जिसका राज चला बिल्कुल लास्ट, 1412-13 तक चलता रहा। इसके टाइम में ये इतना कमजोर था, उनको देखो इसके बारे में लोगों ने क्या कहा, एक आदमी ने मजाक किया कि ये इतने बड़े शहंशाह हैं कि इनकी बादशाहत दिल्ली से लेके पालम तक फैली है। तुम जानते हो ना पालम एक छोटी सी जगह है दिल्ली में, छोटी सी दिल्ली, इसमें एक जगह है पालम, तो एक आदमी इसका मस्खरा मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है ये इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली से लेके पालम तक फैली है। ये बेइज्जती की बात है कि इनके बारे में ये कहा जाता था कि इनकी प्रॉपर्टी, कोई तो कहे दिल्ली से भाई लाहौर, सिंध, मुल्तान, दीपालपुर और साउथ तक, इसको कह रहे हैं कि दिल्ली से लेके पालम तक। बहुत कच्चा राजा था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, और इसीलिए इसके टाइम में एक विदेशी 1398 में इंडिया पे अटैक करता है, जिसका नाम है तैमूर। तैमूर एक छोटी सी हाइट का लंगड़ा आदमी था, तैमूर लंगड़ा था ना, तो ये आदमी जो है इतना ये मान लो कि बर्बर था कि जब ये आया इंडिया में अटैक करने, तो तैमूर ने कत्लेआम किया। इसने जब एंट्री की ना इंडिया की तरफ, पाकिस्तान के रास्ते से आया, राजस्थान से हरियाणा की तरफ, फिर दिल्ली पहुंचा यमुना के किनारे, फिर ऊपर भी गया ये अपना हिमाचल प्रदेश साइड में, पूरा कत्लेआम मचाया, जहां आदमी औरत बच्चे मिले सबको काट दिया इसने।
इसके मन में कोई दया भाव नहीं, कोई मानवता नाम की चीज नहीं। इसका सिर्फ एक टारगेट था ये कि मुझे दिल्ली से या भारत से धन लूटना, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया फेमस था। तो 1398 में हमारे ऊपर तैमूर नाम के एक लंगड़े आदमी ने अटैक किया और इस आदमी की बर्बरता इतनी थी कि इसके नाम से लोग कांपते, और जैसे ही पता चलता कि तैमूर आ गया तो कहते हैं गांव के गांव पूरे खाली हो जाते, अपने जानवरों को खोल के लोग और जंगलों में भाग जाते कि तैमूर आएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। दिल्ली में उस टाइम पर राज चल रहा था नासिरुद्दीन महमूद का, इसके बेटों को कत्लेआम करके और इसके बेटों को, राजा के बेटों को एक बड़ा सा वहां पे दिल्ली में कोई गेट वेट था वहां टांग दिया, दोनों तीनों को, तीन लड़के थे, और कुछ नहीं कर पाया दिल्ली का ये सो कॉल्ड बड़ा सुल्तान, जिसकी सल्तनत क्या बताया मैंने आपको कि दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। तो ये पूछेंगे कि तैमूर का आक्रमण इंडिया में 1398 में जब हुआ तो दिल्ली सल्तनत का मालिक कौन था, तो उस टाइम दिल्ली पर राज था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का। इसकी बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं किया इसने। ये तैमूर जो है ये ट्रांस आक्सियान क्षेत्र का है, और तैमूर जो बर्बर जाति का है ना, इसने इससे पहले हमारे यहां आने से पहले ईरान, इराक, अफगानिस्तान ये पूरे इलाके लूट रखे हैं। इंडिया आने का सिर्फ एक टारगेट है धन लूटना, इसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ना इसके मन में ये है कि इंडियन बेचारे हैं दुखी हैं, बस इसको क्या दिखता है पैसा लूटना और भाग जाना है। तो ये अटैक इंपॉर्टेंट है। जब ये दिल्ली की तरफ आया अपने देश से ट्रांसैक्शन का है ना, तो इसकी मदद की एक आदमी ने, जिस आदमी ने इसकी मदद की थी उस आदमी का नाम है, जिस आदमी ने इसकी मदद की थी उसका नाम था ये जिसने नया वंश चलाया उस आदमी का नाम था खिज्र खान। खिज्र खान, इस खिज्र खान ने किसकी मदद की है, तैमूर की। तो तैमूर को इंडिया में बसना थोड़ी है, पैसा लूटा भाग गया, जाते जाते तैमूर इसको खिज्र खान को कुछ इलाके सौंप गया जिसमें कि उसने लूट मार किया, जो इससे डर गए थे दब गए थे, मुल्तान लाहौर ये वाला इलाका दे गया इसको कि भाई तू यहां का राजा है, तू यहां का सूबेदार है। इसकी हिम्मत बढ़ गई और धीरे धीरे करके इसको लगा कि अब दिल्ली में कोई बड़ा राजा थोड़ी है, तो यहां बैठा था कुछ छोटा मोटा टाइप का आदमी, वजीर टाइप का, उसको हटाया और इसने अपना वंश चला दिया। इसने कहा अब से मेरा वंश राज करेगा और ये सैयद वंश कहलाया। ये डरपोक टाइप का आदमी था और ये लास्ट तक भी राजा बन गया, लेकिन लास्ट तक भी जब तक जिंदा रहा ये टैक्स के फॉर्म में बहुत सारे पैसे, एक आदमी था शाहरुख, जो शाहरुख खान है ना वही नाम है ये शाहरुख, ये कौन था, ये तैमूर का पोता था। सोचो तैमूर के पौत्र से भी इतना डर था इसको कि तैमूर के पोते को ये पैसे भेजता था, टैक्स भेजता था। तैमूर 1336 का जन्मा है और 1398 में उसने हमारे ऊपर अटैक किया, तो बुढ़ापा आ गया होगा ना कितनी बड़ी उम्र में, जब वो राजगद्दी पर बैठा ना समरकंद की पर तो वो 33 साल का था। 1336 में जन्मा, 1369 में उसको राजपाट मिला और 1370 के आसपास जो है उसने अटैक करने स्टार्ट किए। 1398 में हमारे देश पे अटैक किया और उसके बाद सोचो इतनी बड़ी उम्र का एक आदमी, उसका बेटा, उसका पोता, तीसरी पीढ़ी आ गई, तो जो यहां राज कर रहा है ना दिल्ली पर वो इतना डरपोक है कि ना तो उसने कभी कहा कि मैं राजा हूं, अपने नाम के आगे कभी सुल्तान नहीं लगाया बल्कि एक उपाधि धारण की, रैयत ए आला। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कौन रैयत ए आला की उपाधि धारण करके बैठा, तो ये कौन था, ये था खिज्र खान। खिज्र खान को कौन हेड बना गया था इलाके का, तैमूर, क्योंकि तैमूर को यहां ना बसना था ना उसको रुकना था, तो इसको बना गया, इसने उसकी मदद की थी अटैक में। तो फिर इसने अपनी राजपाट शुरू कर दिया, लेकिन डरपोक था तो सुल्तान नहीं बोला, क्या बोला, मैं रैयत ए आला हूं, मैं हेड हूं सिर्फ, और मैं किसके बिहाफ पे काम कर रहा हूं, जो तैमूर है उसके पोते शाहरुख के बिहाफ पे, उसी को टैक्स देता था, भिजवाता था। इसने अपना राजा का काम होता अपना सिक्का चलाना, इसने कोई सिक्का नहीं चलाया, ना इसने अपने नाम के आगे सुल्तान लिखा, तो फिर इसकी उपाधि क्या है, रैयत ए आला, ये कहलाता रैयत ए आला। कुछ ही साल टिका, 1414 में इसने काम शुरू किया था और 1421 से 1421 महज 6-7 सालों में इसकी चैप्टर क्लोज, ये मर गया। इसके बाद इसका बेटा, इसका नाम था मुबारक शाह, मुबारक शाह सबसे योग्य है इन लोगों में, अंधों में काना राजा, सुना होगा ना कि सभी नालायक है, तो एक जो थोड़ा सा ठीक है उसी को कह दिया कि सर्वाधिक योग्य है। सैयद वंश में 4-5 आए थे लेकिन ये ठीक ठाक था। इसने दिल्ली में एक नगर बसाया अपने नाम पर, मुबारकाबाद, अपने नाम पर मुबारक शाह है ना तो नगर का नाम है मुबारकाबाद। इस मुबारक शाह ने अपना नाम के आगे सुल्तान भी जोड़ा। अब इसके पिताजी तो अपने आप को क्या मानते थे कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तैमूर को, उसके पोते को टेक्स्ट भिजवाते थे। इसने अपने नाम के आगे सुल्तान लिखवाया, इसने अपने नाम के खुतबा पढ़वाया कि भाई परमिशन टाइप ली, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, तो इससे दिख रहा है कि हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक राजा रहा होगा, क्योंकि जो राजा खुतबा पढ़वाता था, जिसके सिक्के चलते थे, जो परमिशन के साथ काम करता था, उसकी लोग इज्जत भी करते थे। इसके पिताजी में उतनी हिम्मत नहीं थी, तो पिताजी ने बस टाइम पास किया, कुछ साल काटे 6 साल, और फाइनली उनका बेटा मुबारक शाह जो है इसने मुबारकाबाद बसाया, तो शहर बसाया जो कि राजा को करना होता था, सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, खुतबे पढ़वाए और क्या किया इसने, सिक्के चलवाए। तो ये सबसे योग्य है, लेकिन क्योंकि बहुत योग्य नहीं है तो इनका राजपाट लंबा नहीं टिकेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके शासन में बस यही बातें हैं, 2-3 बातें, कुछ नहीं है। खिज्र खां और मुबारक शाह, दो नाम याद रखना। इसके बाद अब अगला जो आदमी आएगा वो आदमी आएगा हमारा नेक्स्ट, उसको बोलना भाई ये क्यों नहीं काम कर रहा है, ये थोड़ा सा ना इसका सिस्टम 1-2 दिन लगा। अच्छा पेंट मैंने शायद नहीं यूज किया, ठीक है ठीक है, अब चलेगा। चलिए एक टॉपिक हुआ हमारा, कुछ नहीं था इसमें, दो नाम थे बस, सैयद वंश, बस यही था वंश, कुछ नहीं, तभी तो 37 साल काटे बस, अगर लायक होते तो 50-60-100 साल काट लेते पहला। अब दूसरा, सैयद खत्म हो गया, ग ख त स ल, अब आ गए लोदी, इसको ध्यान से सुनना, इन्होंने बहुत काम किए। लोदी वंश, एक आदमी है सबसे पहला, ए, तीन आदमियों के नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बहलोल लोदी,
बहलोल लोदी, ये जो बहलोल लोदी है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अब तक जितना पढ़ा रही थी ना मैं, ये सब तुर्की थे, ये सब तुर्क सरदार थे, जितने तुमने पढ़े ये सब कहीं ना कहीं तुर्क से रिलेटेड थे। ये पहला वंश है जो पठान है, इसका मतलब ये अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं, ये भी मुस्लिम लेकिन ये अफगानिस्तान को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको अफगान पठान कहा जाता है। इससे पहले जितने आए यानी ग ख त स, ये चार, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सारे के सारे तुर्क से जुड़े हुए थे, ये सारे टर्किश थे, तुर्की जहां के खलीफा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन अब जो आएंगे लोदी वंश वाले, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश है जिसमें अफगान पठान यहां पे राज करेंगे, यानी अब तुर्क सरदारों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी कि अफगान पठानों को मिलेगी। ठीक है, पठान आप जानते हो ना, पठानी कल्चर, अभी भी हमारे यहां पठानी कुर्ते बनते हैं, तो पठानी कल्चर वहीं अफगानिस्तान से है। बहलोल लोदी आया यहां पे और इसने देखा सैयद कमजोर है, तो सैयद का लास्ट वाला हटा के उसकी हत्या करके और खुद इसने कहा मैं हूं अब यहां का हेड। लेकिन ये बहुत समझदार था, बहुत चालाक था, इसको लगा कि यार ये तुर्क मुझे उबरने नहीं देंगे, तुर्क मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे आगे क्यों बढ़ता देखेंगे। तो इसने जानबूझ के अपने टाइम में अफगानिस्तान के जो बड़े बड़े आदमी थे ना, अफगानिस्तान के जो सरदार थे, इस चीज को यूं समझो उस टाइम इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान एक ही जैसे थे, ये सारी प्रॉपर्टी कोई एक संभाल सकता था। तो अफगानिस्तान से इसने अपनी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करेगा उसका भला करेगा ना, आज भी ऐसा होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसने सरदारों को बुलावा, न्योता दिया अफगानिस्तान से, कहा कि भाई दिल्ली सोने की चिड़िया खाली है और तुम लोग अगर चाहो अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ तो मैं मालिक की तरह रखूंगा, बिल्कुल इज्जत से तुम लोग जो है यहाँ रह सकते हो और बेशक आ जाओ अफगानिस्तान से। आप अच्छी तरह जानते हो अफगानिस्तान में आज भी गेहूं की खेप हम भेजते हैं, अफगानिस्तान आज भी गरीब देश है। तो अफगानिस्तान से सरदारों को लगा कि यार बढ़िया भविष्य है, खूब पैसा, पेट भर खाना पीना, राजपाट मिलेगा, जनता यहां की अमीर है, खूब टैक्स मिलेगा, हमें अच्छे पद पे बैठा देगा। अब एक आदमी कह रहा है कि आ जाओ अभी अफगानिस्तान से, आ जाओ, मैं हूं तुम्हारा केयर टेकर, मैं तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा, अच्छी पोस्ट पर बैठाऊंगा, तो हर कोई चला जाएगा। तो वहां से अफगानिस्तान से बहुत सारे सरदार उठ के आ गए, किसके भरोसे पर, बहलोल लोदी के पर। बहलोल को क्या फायदा हुआ, इसके कौन से घर से जाना था, इंडिया का पैसा, इंडिया के लोग टैक्स भरेंगे। बहलोल लोदी को इंपॉर्ट थी अगर पठान आ जाते, क्योंकि वो इसको अपना मुखिया मान लेते, तुर्क सरदार इसकी टक्कर में खड़े रहते, इसको मुखिया नहीं मानते और कभी भी मिलके इसकी हत्या कर देते। तो इसने चालाकी का लंबा गेम खेला और इसने अफगानिस्तान के पठानों को इनवाइट कर लिया। बहुत सारे अमीर अमीर टाइप के जो लोग थे जिनको लगा कि यार हम और अच्छा जीवन जी सकते हैं, वो सारे उठ के यहां आ गए। अब उनके यहां आने से बड़े बड़े पदों पर पठान बैठा दिए, तो ये मान के चलो जब पठान ऊपर बैठ गए पदों पर तो तुर्क सरदार जो है वो अपने आप कमजोर पड़ गए, और जब तुर्क सरदार कमजोर पड़ गए तो ये राजा का मर्डर कैसे करेंगे, क्योंकि ऊंची पोस्ट पर जो रिलायबल पोस्ट है उन पर सारे पठान बैठा दिए। तो ये इस चीज को ऐसे समझो कि जो तुर्की पहले हावी थे बलबन के टाइम, इल्तुतमिश के टाइम, अलाउद्दीन के टाइम, वो तुर्की सरदार धीरे धीरे हट गए और उन सबकी जगह पठान आ गए, अफगानी लोग आ गए, अफगान सरदार आ गए। तो अफगान सरदार जो है ना, उनकी यूनिटी का फायदा मिलेगा बहलोल लोदी को। बहलोल बड़ा समझदार आदमी है, सबसे लंबा टिका, इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया, चाहे बलबन की बात कर लें या चाहे अलाउद्दीन की बात कर लें, जिनको हम बेस्ट में गिनते हैं कि बहुत बढ़िया काम किए, वो लोग भी इससे दूर दूर तक इसकी बराबरी नहीं कर पाए। कार्यकाल की अगर बात करें, 1400 कब बना था ये, वो लोग 1451 में खत्म हुए थे ना सैयद, तो 1451 से आप लगा लो और 1489 तक अकेला राज किया इसने। तो ये देखो जरा तुम कितने 39 ईयर्स, 38-39 साल तक ये आदमी राज करता रहा। 38-39 साल तक कोई आदमी अगर पीएम की कुर्सी पर बैठा रहे तो फिर और क्या चाहिए, ये सारा करता धरता था। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हो सकते थे, लेकिन इतने लंबे टाइम पीरियड में विद्रोह बहुत कम हुए। कारण क्या था विद्रोह कम होने का, इसने बहुत ज्यादा इज्जत दी अफगानिस्तान के पठानों को, सरदारों को, उनके अगर वो खड़े रहते ना दरबार में तो ये खुद भी नहीं बैठता था। इसने ये कहा मैं तुम्हारे बराबर हूं, तुम मुझे अपना मालिक मत मानो, बस मैं तुम्हारा मुखिया हूं लेकिन मैं मालिक नहीं हूं। और इतना ज्यादा केयर करता था कि अगर कोई पठान कभी इससे गुस्सा हो जाता, भाई रूठ जाता कि भाई मेरे साथ गलत किया, तो घर जाके उसके उसको मना के लाता, यानी इसके मन में कोई भी ये नहीं था कि भाई मैं हेड हूं और मैं ही मैं रहूंगा, अपने आप को उनकी बराबरी पर रखता था। अगर इसके पठान सरदार जैसे भाई दरबार लगता था, दरबार में वो खड़े होते ना तो ये भी नहीं बैठता, वो खड़े तो ये भी खड़ा रहेगा, उनको मंसद ए अली कह के पुकारता था। अली आप जानते हैं, अली किसकी बात हो रही है, जो खलीफा की पोस्ट की दो कैंडिडेट थे ना, तो मंसद ए अली कि भाई इतनी इज्जत देता था कि हर सरदार मंसद ए अली है, वो खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहूंगा, वो रूठ गया तो उसके घर जाके उसको मना के लाता था। यानी इसके टाइम में सबसे ज्यादा शांति रही, सब खुश रहे, तो विद्रोह बहुत कम हुए। इतने लंबे टाइम में ना विद्रोह हो के आदमी दुखी हो जाता है, 38-39 साल अगर रहेगा तो विद्रोह में तो परेशान हो जाएगा, लेकिन ये विद्रोह से परेशान नहीं हुआ, क्योंकि 38-39 ईयर्स तक इसके टाइम में सबको इंपॉर्टेंस मिली। तुर्क सरदार परेशान थे लेकिन अब उनमें इतना दमखम नहीं बचा था कि वो इसके मर्डर का प्लान बनाते, तो फाइनली लंबा टिक पाया, सबसे लंबा टिक पाया बहलोल लोदी। जब इतना लंबा टिकेगा तो फिर अपना सिक्का भी चलाएगा, और इसने एक सिक्का चलाया अपने नाम पर जिसका नाम है बहलोल, बहलोली सिक्का। ठीक है, ये सिक्का बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत दिनों तक। तो बहलोल ने अपना सिक्का चलाया, पहली चीज, विद्रोह बहुत ही कम हुए, दूसरा अच्छा पॉइंट, तीसरा अच्छा पॉइंट, सबसे लंबा टिका, जो टिकेगा वो काम भी कर पाएगा। तो पठानों को इसने इंपॉर्टेंस देके, उनको अपनी बराबरी का दर्जा देके, मंसद ए अली कह के, उनके खड़े होने पे खुद भी नहीं बैठता, तो पठान भी कहीं ना कहीं इसकी रिस्पेक्ट करते थे, और इसलिए इतना लंबा ये टिक पाया। कौन? बहलोल लोदी। तो सबसे लंबा कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत में जिस एकमात्र सुल्तान का, वो है बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए, बहलोल लोदी के कहते हैं 9 बेटे हुए, 9 पुत्र जन्मे इसके घर, और इसका तीसरे नंबर का बेटा था निजाम, निजाम शाह। तो बहलोल लोदी के कितने बेटे बताए मैंने, 9 पुत्र, और इसका थर्ड नंबर का बेटा जिसका नाम है निजाम शाह, ये
निजाम शाह राजाओं के ना ये लायक बच्चे थे 9, वैसे तो इनके ढेर बेटा बेटी होते थे क्योंकि बहुत सारी शादियां करते थे, लेकिन इसके 9 लायक लड़कों में से सबसे लायक था थर्ड नंबर पे जन्मा, जिसका नाम है सिकंदर लोदी, आगे पढ़ेंगे सिकंदर शाह लोदी, उसका असली नाम था निजाम शाह या निजाम खान। ये जो इसका तीसरा बेटा है ना, किसका बेटा है ये, बहलोल, बहलोल लोदी ने शादी की थी एक हिंदू सुनार महिला से, हिंदुओं में सुनार जो कम्युनिटी है हमारी, इसमें एक महिला थी जिससे इसने शादी की, जिसका नाम था जयबंद, जयबंद, उसी को कहीं कहीं किसी किसी किताब में जयबंद भी लिखा है। तो इस नाम की महिला से शादी करके हिंदू सुनार महिला, और इससे जो बेटा जन्मा, तो ये बेटा बना आगे जाके दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा राजा, जिसका नाम है सिकंदर शाह लोदी या सिकंदर लोदी, ओरिजिनल नाम है निजाम खान या निजाम शाह, थर्ड नंबर का था। अब जब ये राजपाट संभालेगा तो बहुत सारे लोग इसके एंटी होंगे क्योंकि कायदे से पहले नंबर वाले का हक होता है, लेकिन लायकियत इसमें ज्यादा थी, राजा बन गया। सिकंदर शाह लोदी बहुत समझदार था, ये अपने पिता जितना लंबा तो नहीं टिका, पिताजी का तो कार्यकाल कितना था 1451 से 1489 ना, ये भी लंबा टिका लेकिन उतना नहीं, 89 से लेके 1517 तक इतना लंबा टिका ये भी, लेकिन इसने अपने पिताजी की छोटी जो कमियां फील की ना उस पे इसने काम किया। इसके पिता की इसको लगता था कमी है कि सरदारों को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है कि सरदार रूठ गया तो मालिक सरदार के घर जाएगा, भाई सरदार कुछ भी हो है तो मालिक की जगह नौकरी ना, तो इसने उन सबको सीधा किया और कहा कि इतने हक नहीं है तुम्हारे जितने पिताजी ने दे रखे थे, इसीलिए इससे कुछ लोग चिड़ने भी लग गए थे। सिकंदर शाह लोदी समझदार था, चालाक भी था, अपने पिता की तरह इसने उनको ये नहीं फील कराया कि तुम खड़े हो तो मैं भी खड़ा हूंगा, इसने नियम स्ट्रिक्ट रखे कि राजा सुल्तान सुल्तान है और नौकर नौकर ही है, तो उनके मन में आया कि यार पिताजी तो इतनी इज्जत करते थे और ये बेटा जो है अपनी मनमर्जी कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी नीतियां बहुत कामयाब रही और फाइनली जाके सब इसकी धीरे-धीरे रिस्पेक्ट करने लगे। ये थोड़ा सा धर्मांध था, थोड़ा सा क्या, अच्छा बढ़िया वाला धर्मांध था, धर्मांध समझ तो धर्म के प्रति अंधा। देखो कितनी अजीब बात है, पिताजी इसके हैं पठान यानी मुस्लिम कम्युनिटी के, माँ इसकी है हिंदू, लेकिन ये धर्मांध है, बहुत चिढ़ता था हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के इसने मंदिर तुड़वा दिए, जैसे पहले फिरोज शाह ने तुड़वाए ना मंदिर, तुड़वाए आग लगवा दी चीजों में, मूर्तियां तुड़वा दी, मांस तोलने वालों को मूर्तियां तुड़वा के कहा इसको पत्थर की तरह यूज करो, तो बहुत गलत तरीका था। लेकिन इसने मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भी बंदिशें लगाई, इसने मुसलमानों को कहा कोई भी ताजिए नहीं निकालेगा, ताजिए क्या होता है एक तरह की ना यात्रा टाइप होती है, ऐसा मानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत पुराने टाइम में एक आदमी था बहुत अच्छा आदमी था और राजा के रूप में वो रहता था, वो और उनकी पत्नी उनके बच्चे, तो कभी ऐसा हुआ कि उनके ऊपर अटैक हुआ, कुछ घटिया लोगों ने उनको बहुत परेशान किया और वो किसी तरह सर छिपाते हुए भागे जंगलों में, तो वो जंगलों में जाके छिप गए, वहां नदी बहा करती थी, तो जो उनके ऊपर अटैक करने आया उसने टारगेट बनाया कि इसको परिवार खानदान समेत खत्म करना है, वो बेचारे जंगलों में कहीं भाग गए, छिप गए, लेकिन कितने दिन छिपेंगे, भूख प्यास लगेगी, तो उसने जिसने अटैक किया था ना उसने इस नदी के पास अपनी सेना छिपा के खड़ी कर दी कहीं कहीं कि पानी पीने तो कम से कम आएंगे ना, और जैसे ही पानी पीने आएंगे बच्चे कितने दिन प्यासे रह लेंगे, तो वो पानी पीने जैसे ही आए मार डालो, और जैसे ही उनका परिवार प्यास से बेचारा रोता बिलखता बाहर निकला तो उनको बहुत बुरी तरह से मार दिया गया, और बुरी तरह मारने के बाद उनके शरीर को दफनाने भी नहीं दिया गया, मतलब लाश की भी बेइज्जती की गई। तो मुस्लिम कम्युनिटी अब उस रिस्पेक्ट को देने के लिए कि लाश की जो बेइज्जती की गई है उसको वो एक रिस्पेक्ट के बदले में ताजिए निकालते हैं, जिसमें कि पूरा एक वो सजाते हैं ऐसे पालकी टाइप सजाते हैं, और जैसे झूठ मूठ में हम जैसे भगवान कृष्ण की और राम की वो नहीं बना देते स्टैचू टाइप के रामलीला में, और इनमें इस तरह से ये लोग निकालते हैं, तो उनकी यात्रा निकलती है जिसमें लोग फिर जो है श्रद्धांजलि देते हैं। तो ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई ताजिए नहीं निकलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी की कोई भी औरत पीर या कहीं पर जो मजार होती है ना यहाँ पे नहीं जाएगी, तो महिलाओं की पीर और संत और मजारों पर जाने पर रोक टोक लगा दी, तो महिलाएं पीरों की इस पे जाएंगी ना मजारों पे जाएंगी ना ही कोई ताजिए निकलेंगे। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी है, हिंदुओं के मंदिर तुड़वा दिए, वो मांस तोलने वालों को पत्थर दे दिया सारा, इससे ये आइडिया लगाओ कि मुसलमानों से भी चिढ़ता है और हिंदुओं से भी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करता है पर प्रतिबंध लगाने टाइप का है। और पठानों को भी क्या बोला कि तुमने बहुत ऐश मार ली पिताजी का टाइम, अब मेरा टाइम है मेरे हिसाब से काम करोगे। ऐसा सब सुनने के बाद शायद तुम्हें लगेगा कि खराब आदमी था, लेकिन इसने काम बहुत किया। इसने क्या काम किया, इसने जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका नाम क्या है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कई बहुत ऐसे ऐसे काम किए कि वो लेटर स्टेज तक यूजफुल रहे। आगरा शहर का नाम आपने सुना है, आगरा किसने बसाया है, आगरा इसी ने बसाया है, आगरा जो बसाया है वो सिकंदर शाह लोदी ने बसाया। देखो इसके अच्छे कामों की बात करते हैं, तो जहां आज हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं ताजमहल जहां पर है, ताजमहल तो बाद में बना, पहले आगरा शहर बसा, तो आगरा 1504 में बसाया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये राजधानी दिल्ली से उठा के आगरा शिफ्ट कर लेता है 2 साल बाद 1506 में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने आयुर्वेद, हमारा इंडियन कल्चर था ना आयुर्वेद का, आयुर्वेद में एक ग्रंथ था, एक किताब थी फरहंगे, उसका नाम था फरहंगे, तो ये किताब जो है ना फरहंगे, इसको इसने चेंज कराया अपनी, मतलब ट्रांसलेट कराया अपनी फारसी भाषा में। इसके टाइम में संगीत का पहली बार, संगीत की एक बुक लिखी गई, वो बुक जो लिखी गई संगीत की ये फारसी भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में, और बुक का नाम है लज्जत ए, लज्जत लगता है खाने से जुड़ी होगी लेकिन ये संगीत से है, लज्जत ए फिरोज शाही, ये किताब है, पेपर में आ जाएगी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संगीत से, सिकंदर शाही, सॉरी लज्जत ए फिरोज नहीं, सिकंदर शाही, क्योंकि सिकंदर ने लिखवाई है ना, सिकंदर शाही। ये दो इंपॉर्टेंट किताबें याद रखना, एक में दवाइयों के बारे में है आयुर्वेद वाले ग्रंथ में, और एक में संगीत के बारे में है। ये ना बहुत अच्छा पोएट भी था, तो ये गुलरुखी, इसने अपना नाम रखा गुलरुखी, इस नाम से ये कविताएं भी लिखता था। देखो म्यूजिक में इसका इंटरेस्ट है, कविताओं में इसका इंटरेस्ट है, किस नाम से लिखता था, गुलरुखी नाम से। संगीत की किताब का नाम क्या है, लज्जत ए सिकंदर
शाही। आयुर्वेद के ग्रंथ को भी इसने चेंज कराया, इसने शहर बसाया 1504 में आगरा, और 1506 में इसने इसको अपनी राजधानी बना लिया। तो एक तरफ बहुत अच्छे काम किए, एक तरफ गड़बड़ियां भी की। गड़बड़ियों में क्या, धर्मांधता की नीति का पालन किया जो कि गलत था। फाइनली जाके इसने अपने टेरिटरी को सबसे ज्यादा बढ़ाया। कब, अगर कब से कंपेयर करें, जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था ना, वो एक लंगड़े आदमी का, क्या नाम था, तैमूर, 1398, उसके बाद से सब कुछ लगभग खत्म बराबर था। इस आदमी ने उस कंडीशन में जब सब कुछ खत्म हो गया था, वो लूट के ले गया धन और सारे लोगों को परेशान करके गया। उसके बाद सैयद तो कुछ कर ही नहीं पाए, कमजोर थे, खिजर खान की तो हिम्मत ही नहीं थी, सुल्तान भी नहीं बोला अपने आपको। उसका बेटा भी कोई बड़ा राजा नहीं था, दिल्ली के आसपास सखी सीमित था। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर कहे उस 1398 के अटैक के बाद, तो सिकंदर शाह लोदी ने बनाई है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बना ली, मोहम्मद बिन तुगलक जितनी तो नहीं बनाई, पर बाकियों के मुकाबले इसकी संपत्ति ज्यादा थी अपने काल में। तो धीरे धीरे करके सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड बढ़िया कटा, और आप लगा लो 1489 से 1517 तक नया शहर बसा, सिक्के चले, गज ए सिकंदरी, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गज ए सिकंदरी। आप आज भी कोई जमीन लेते हैं ना, तो हम ये बात करते हैं कितने गज जमीन है। किसी गांव में, शहर में कोई भी प्लॉट लेते हो, कहीं भी घर लेते हैं, तो कहते हैं कितने गज का मकान है, कितने गज का प्लॉट है। ये गज जो नाम है ना, गज, इससे पहले गज एज सच नहीं था, ये गज ए सिकंदरी आज तक यूज होता है। घर पर में जब भी बात होती है कोई चीजों के बंटवारे की या नई चीज लेने की, हम आज भी ये यूनिट यूज करते हैं, कितने गज का मकान है। तो ये गज ए सिकंदरी भूमि की पैमाइश का पैमाना था, जो किसके टाइम में बना है, सिकंदर के टाइम में, और ये लेटर स्टेज तक, अकबर के टाइम तक बहुत बढ़िया तरीके से इसका यूज किया गया। तो गजे सिकंदरी पूछ लें, या इस तरह के लज्जत सिकंदर शाही पूछें, या फरहंगे पूछें, ये सब किताबें और ये पैमाने हैं, या आगरा पूछें किस सन में बना, राजधानी कब बना, तो ये सारी चीजें सिकंदर शाह से जोड़ देना, जिसका असली नाम सिकंदर लोदी है ना, वही है सिकंदर शाह लोदी, और उसका असली नाम था निजाम खान, या निजाम लोदी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया इसने, किताबें लिखी जा रही है, भूमि की पैमाइश हो रही है, टेरिटरी इसकी सबसे ज्यादा है 1398 के अटैक के बाद। फाइनली इसके भी लाइफ का चैप्टर क्लोज हुआ, और इसके बाद जो बड़ा सुल्तान बना वो है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह लोदी भी लिख देते हैं, इब्राहिम लोदी भी लिख देते हैं, जैसे सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह लोदी। ये 15 कब तक रहेगा, ये मान लीजिए 1489 तक तो इसके दादा थे, 1400 कब बने थे वो, 51 में ना, 51 से 89, इसके पिताजी जो हैं 1489 से 1517 तक रहे थे, और ये 1517 से 1526 तक रहेगा। ये 1526 में क्यों हट गया, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सुल्तान है जो लड़ाई में मारा गया, बाबर से हुई लड़ाई में इसकी लाइफ का चैप्टर क्लोज हुआ, और तब जाके फिर दिल्ली सल्तनत की सल्तनत खत्म हुई और बादशाहत यहां पर आ गई मुगलों की। तो इब्राहिम शाह लोदी ये महज 1517 से 26 तक राज कर पाया, इसको बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि सिकंदर लोदी ने नया शहर बसा दिया, सब काम कर लिया था। इब्राहिम लोदी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी राजा का कर्तव्य होता है एरिया बढ़ाना, तो इब्राहिम शाह लोदी ने पिताजी की प्रॉपर्टी जो इसने काफी बड़ी ऐसे बना ली थी, मेवाड़ का राजा था यहां पर राजस्थान गुजरात साइड में, जिनका नाम था राणा सांगा, ये नाम आपने सुना होगा, राणा सांगा, कहते हैं राणा सांगा के शरीर पर इतने घाव थे कि गिने नहीं जा सकते, इतने भयानक मतलब लड़ाइयों में ये रहे थे। राणा सांगा का ही तो अगला वंशज है महाराणा प्रताप, जो अकबर का समकालीन है, ये बाबर से भी लड़े थे, तो पूरे शरीर पर इतने भयानक घाव थे। राणा सांगा की लड़ाई हुई थी, राणा सांगा की लड़ाई किसके साथ हुई, इब्राहिम लोदी के राजा बनते ही, क्यों, क्योंकि ये जो इलाका था ना मालवा, जिसको आज आप एमपी कहते हैं, इसके ऊपर, अब यहां से सोच रहा है इब्राहिम की मैं अटैक कर दूं, ये सोच रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, और दो बड़े आदमी राणा सांगा और वहां से इब्राहिम लोदी, जिसके बाप दादा ने खूब प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली थी, इनके बीच में लड़ाई हुई, ये खतौली का युद्ध कहलाता है, एग्जाम में आ जाता है ये खतौली का युद्ध। इस लड़ाई में, खतौली के युद्ध में, इब्राहिम लोदी, खतौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी हारा, यानी ये वाला हारा, ये जीता, राणा सांगा जीता, लेकिन कहते हैं कि इस जीत में भी राणा सांगा की हार थी, कारण जीत तो गए, लेकिन इस लड़ाई में इनका एक हाथ कट गया और एक पैर कट गया, और किसी भी राजा या क्षत्रिय के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका शरीर है, क्योंकि जब तक उसकी भुजाओं में बल है वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रख सकता है, लेकिन राणा सांगा जो कि इतने मशहूर, ये मान लो कि क्षत्रिय थे, राजपूत थे, उनका एक हाथ और एक पैर गवा दिया उन्होंने इस लड़ाई में, तो कहते हैं कि वो जीत कर भी हार गए, ऐसा उन्होंने खुद फील किया, तो फिर किस चीज का राजपाट में चलाऊंगा, और आज ये है कल कोई और आएगा मुझे मार देगा। तो महाराणा प्रताप के जो दादाजी हैं राणा सांगा, वो जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि हाथ पैर गवा दिया, और इब्राहिम लोदी हार गया, लेकिन उसको अपनी जीत फील हुई, क्योंकि सामने वाले का अगर हाथ पैर तुमने काट दिया तो एक तरह से तुम जीत ही गए, बेशक तुम्हें भागना पड़ा। तो खतौली के युद्ध का नुकसान उठाना पड़ा था राणा सांगा को जीतने के बावजूद भी। कई इस तरह की लड़ाई हुई, ग्वालियर युद्ध है इसमें, कईयों में ये जीता। फाइनली जाके इससे सब दुखी थे अंदर ही अंदर, क्यों, क्योंकि जो तुर्क सरदार थे ना और जो अफगान पठान थे, अफगान जो सरदार थे, धीरे धीरे इनको लगने लगा कि भाई एक ही आदमी का क्यों वंश चल रहा है, हम भी तो लगा कि हमारे बेटे राज क्यों नहीं करते, ये एक हमारे कभी बाप दादाओं को बुला के लाया था कौन, बहलोल, फिर सिकंदर के टाइम में भी ये इन्हीं का राजपाट क्यों चले, हम लाया कि हमारे बेटे भी राज करें। तो कहीं ना जो अफगान पठान थे, सरदार थे, ये चिढ़ने लग गए थे ऑटोमेटिकली इब्राहिम से, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑप्शन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इसको कमजोर खोखला कर रहे थे। बहुत सारे अमीर इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी धर्मांध टाइप का था, ये भी परेशान करता था हिंदुओं को, तो इसके साथ बहुत ज्यादा लोग मन से नहीं खड़े थे, लोग इससे दुखी थे, परेशान थे, और वो सामने आएगा जब इसके खुद के चाचा और पंजाब का सूबेदार एक विदेशी को इन्वाइट करेंगे कि भैया हमारे यहाँ आ जा, बहुत पैसा है, और हमारे इस राजा को तू मार दे, इब्राहिम लोदी को, हम तुझे ढेर पैसा देंगे। और बाहर से जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं ना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किलर मान लो एक आदमी को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका नाम है बाबर। बाबर के माँ और बाप दोनों लड़ाकू प्रजाति से संबंध रखते हैं, एक वो जो लंगड़ा आदमी आया था तैमूर उससे संबंधित है, और एक जो चंगेज खान बहुत पहले पढ़ाया था 1221 में इल्तुतमिश के टाइम में, या तो मंगबरनी के ऊपर अटैक करते करते आए थे, तो वो चंगेज खान, जिसके माँ बाप ही ऐसे वंश के हों जहां लोगों को काटने मारने का बिल्कुल नॉर्मल सा काम मानते हो, तो वो आदमी कितना कट्टर होगा। बाबर को इन्विटेशन दिया इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा ने, सगे चाचा ने, उसके साथ बहुत सारे सरदारों ने दिया, तुर्क भी इनमें शामिल थे और अफगानी पठान भी, और इसके अलावा पंजाब के सूबेदार ने। बाहर से
बराबर आया, और जिस आदमी के घर में ही घर का भेदी लंका ढाए तो जहां घर के अंदर इतनी कमजोरी होगी उसको तो बाहर वाला आदमी तुरंत खत्म कर देगा। और बाबर एक छोटी सी मुट्ठी भर सेना लेके आया, इब्राहिम लोदी मेंटली बिल्कुल फ्री था कि मेरी तो सेना इतनी बड़ी है मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन उस लाखों की सेना को एकदम से ध्वस्त कर दिया अपनी चालाकी के और अपनी ये मान लीजिए लायकियत भी रही होगी, तभी बाबर इसको खत्म कर पाया। और फिर बाबर ऐसा आया कि बाबर के मन में लालच आया कि इस राजा के ऊपर कोई नहीं था, इससे आगे कोई नहीं था, और मेरे लिए इसको हराना इतना आसान था, तो अगर मैं यहां से जाऊं ही ना तो कौन मुझे भगा देगा, क्योंकि जो इस राजा को नहीं हटा सकते थे वो इस राजा से कमजोर होंगे, ये राजा उनके ऊपर हावी था और मेरे लिए ये मजाक था इसको हराना, यानी अगर मैं चाहूं तो मैं यहां रच बस सकता हूं। और बाबर ने इनकी कमजोरी का फायदा उठाया और फिर इंडिया में अगला राजवंश चलेगा बाबर का, जिसको हम मुगलों के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करती हूं ये मुगलों तक का चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको पीडीएफ से और पढ़ा देती हूं। मैंने ना कल टाइपिस्ट से अपने सारे किस्में निकलेगी, ठीक है, ये मैंने खुद अपने नोट्स बैठ के टाइपिस्ट के पास और बनवा लिए ताकि तुम लोगों को भी दिक्कत ना आए, इसको पीडीएफ डलवा दूंगी। ये मैंने बुक से नहीं बनाया है, ये मैंने जो अपने नोट्स थे ना पहले मैं लिखवाती थी, वो लिखवाने का काम अब मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अब मेरी क्लास होती है बीच में, पहले तो मेरी क्लास होती थी सुबह सुबह जिस कारण मैं सुबह आधा घंटा पहले आके लिख लेती थी, पर अब क्योंकि मेरी क्लास बीच में तो मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, तो मैंने उसी चीज को अपने ही नोट्स की फॉर्म में अपने ही शब्दों में लिखवा दिया, तुम्हें समझ में आ जाएगा। परवर्ती तुगलक, परवर्ती मतलब क्या होते हैं, बाद वाले, बाद वाले। तो तीन तो तुगलक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक जिसके लिए कहा था दिल्ली अभी दूर है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक वो पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह छोटे टाइम के लिए राजधानी ले गया, कराचल अभियान, खुरासान अभियान, मुद्रा बदलवादी, सांकेतिक मुद्रा और दुआब में करवट दी, पांच गड़बड़ की ना उसने। उसके बाद जो आया था वो था फिरोज शाह तुगलक, बाग लगवाए, दास ढेरों उसके पास, शहर बसवाए, अस्पताल बनवाए, सराय बनवाई, विद्यालय बनवाए, बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी गड़बड़ियां भी की। उसके बाद के तुगलक कमजोर थे, इनमें सबसे बड़ा नाम है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का, जो अंतिम तुगलक है जिसके टाइम में वो एक लंगड़ा आदमी आएगा अटैक करने और कत्लेआम करेगा। ये 1394 में बना और 1398 में तैमूर आ गया था, 1412 तक रहा तुगलकों का अंतिम सुल्तान। ये पूछते हैं जो तैमूर आया उसका आक्रमण के टाइम कौन था इंडिया में दिल्ली सल्तनत, तो नासिरुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखो इसी के समय मलिक सरवर, ये मलिक सरवर कौन है, मलिक सरवर ना जौनपुर नाम की एक जगह है यूपी में, अभी भी है, इस जौनपुर का सूबेदार था, तो उसने कहा भाई ये राजा जो है कमजोर है, अब ये राजा कमजोर ही तो इसके टाइम में जब अटैक होगा, तो उसने देखा राजा इतना कमजोर है मैं अपना ही ना वंश चला लूं, तो उसने अपने मलिक सरवर ने अपना वंश चला दिया शर्की वंश, शर्की नाम थोड़ा लगेगा, शर्की वंश, और फिर ये लंबे टाइम तक चला। बाद में लोदी जब आए ना तो बहलोल लोदी ने इनके एक आदमी को हराया जो यहां हेड था बाद में, और फिर सिकंदर लोदी ने इसको अपने इलाके में मिला लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, जौनपुर का मलिक सरवर शर्की एक आदमी का नाम था जिसने जौनपुर को आजाद स्वतंत्र करा लिया। भाई मैं इसकी बात नहीं मानता, किसकी, नासिरुद्दीन महमूद, कमजोर भी था, इसके टाइम में बहुत सारी चीजें स्वतंत्र हुई जिनमें से इंपॉर्टेंट है मलिक सरवर, इसका पूरा मलिक सरवर शर्की है। तो जौनपुर में शर्की वंश, शर्की समझे क्यों, क्योंकि इसका नाम शर्की है, की स्थापना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मलिक सरवर ने शर्की वंश। और ये जौनपुर जो देख रहे हो ना जौनपुर यूपी वाला, इसको कहते हैं भारत का सिराज, भारत का सिराज है ये मलिक सरवर जौनपुर शर्की वंश। अगला है इसी के समय दक्षिण भारत आजाद हो गया, कमजोर राजा है, बंगाल बिहार मालवा राजस्थान बुंदेलखंड आदि स्वतंत्र हो चुके थे, तो ये मान के चलो कि बिल्कुल कमजोर टाइप का राजा था। और इसके बारे में क्या कहा, इसकी सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली थी, ऐसा कैसा राजा है जिसके पास दिल्ली भी पूरी नहीं है, दिल्ली भी इतनी बस कि दिल्ली से पालम तक, बाकी दिल्ली पर भी किसी और का राज है, तो ये किसी मस्खरे ने मजाक में कहा था। नेक्स्ट देखो तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, सन पूछ सकते हैं, और उस समय दिल्ली पर नासिरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था जिसके टाइम में मलिक सरवर शर्की ने कहां पर, जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की, बहुत सारे इलाके स्वतंत्र हो गए। अब अगला है तैमूर लंग, ये तैमूर कौन है, तैमूर 1336 में जन्मा, एक ट्रांसआक्सियान क्षेत्र का इलाके का छोटा सा आदमी है, कोई बहुत इसकी हाइट हेल्थ नहीं थी लेकिन इसका जज्बा था, खुद सोचो जिसके पैर भी खराब है जिस आदमी का, जो वैसे भी पैर से भी ठीक नहीं है उसको कोई पकड़ के भी खींच सकता है ना नीचे, लेकिन इससे लोग इतना डरते थे कांपते थे कि जैसे ही पता चला ये आ रहा है तुरंत सारा एरिया खाली, कोई रुकता नहीं था। और जब इसने राजस्थान से हरियाणा की तरफ एंट्री की ना तो ये पूरी बेल्ट गायब हो गई थी, मिला नहीं था कोई भी, सब भाग गए कि भाई ये आ रहा है तो फिर ये किसी को छोड़ेगा नहीं। समरकंद, ये समरकंद में गद्दी प्राप्त की 1370 से, 1369 में इसने वैसे कामकाज शुरू किया पर 70 से इसने अभियान चला दिया कि अब मैं सबको लूटूंगा, 70 से विजय अभियान शुरू किया, ईरान अफगानिस्तान आदि जीत लिए, तो हमारे पास आया ना उससे पहले ईरान अफगानिस्तान को ये जीत चुका था। आगे देखो क्या लिखा है, भारत में आक्रमण का उद्देश्य क्या था, लूटपाट, 1398 में जो आया था उसका सिर्फ एक टारगेट था इंडिया को लूटना, 1398। नेक्स्ट देखो सैयद वंश, तो लूट के और चला गया, इसकी मदद किसने की थी, सैयद वंश खिजर खान ने, इसलिए उसको दीपालपुर का राजा बना दिया, दीपालपुर का और जो ये था अपना लाहौर मुल्तान का। देखो अब जरा 1414 से 1451 सेकंड सबसे छोटा, सबसे कौन है, खिलजी, कितने टाइम रहे, महज 30 साल, 1290 से 1320, ये 37 साल रहे, सेकंड स्मॉलेस्ट टेन्योर था। खिजर खान पहला 1414 से 1421, फिर इसका बेटा मुबारक शाह 21 से 34, इसके बाद आए लेकिन वो बहुत कमजोर थे, कुछ नहीं कर पाए, इसने अपना सिक्का भी नहीं चलाया, न सुल्तान की उपाधि, रैयत ए आला कि भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ नाम का काम कर रहा हूँ और मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शाहरुख को, टैक्स भेजता हूँ, कौन है शाहरुख, तैमूर का पोता। मुबारक शाह ने नाम का खुतबा पढ़वाया, सुल्तान की पदवी धारण की, अपने सिक्के भी चलवाए, शहर बसाया मुबारकाबाद, ठीक है। फिर ये कमजोर है मोहम्मद शाह हसन शाह, कुछ नहीं। खिलजी के बाद दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल सैयद वंश का रहा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खिलजियों का 30 साल, इनका 37 साल। नेक्स्ट देखो खिजर खान, इसके बारे में खिजर खान का क्या है, पहला खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था, खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था, खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, डरपोक था ना ये, बल्कि रैयत ए आला, ये पूछ लेंगे रैयत ए आला उपाधि किसने ली, खिजर खान ने। नेक्स्ट क्या है, खिजर खान तैमूर लंग के पौत्र पोते शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजता था, तो इतना डरपोक था कि अब तैमूर लंग नहीं भी है ना तो भी उसके पोते को कर भेज रहा है कि भैया ये तेरे दादाजी के कारण मैं यहां बैठा हूं, ये टैक्स तू रख ले।
मुबारक शाह, ये कंपैरेटिवली ठीक ठाक था, खिजर खां का बेटा था। मुबारक शाह ने खुद को सुल्तान घोषित किया, तो पिताजी तो डरपोक थे, सुल्तान कहलाए नहीं, लेकिन इसने कहा मैं सुल्तान हूं। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था, अब सारी निकम्मे हैं तो ये थोड़ा बहुत योग्य था। 1434 में इसकी हत्या कर दी गई, तब ये ट्रेंड था कि राजा की हत्या कर दो और खुद राजा बन जाओ। नेक्स्ट आ गया लोधी।